अस्सलामुअलैकुम आरएनएन न्यूज के साथ मैं हूं अस्मा जावेद। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ जाकिर हुसैन खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक। सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब राणा फारूक सईद की साहिवाल डिवीजन भर के कौमी व सूबाई असेंबलियों के टिकट होल्डर से मशावरती मुलाकात हुई। मशावरती इजलास की जेर सदारत साबिक वफाकी वजीर मुमलिकत मेंबर CEC डिवीजनल सदर साहिवाल व उम्मीदवार बराए कौमी असेंबली हल्का NA 142 साहिवाल मेहर फरीद काठिया डिवीजनल हेडक्वार्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 29 जामिया फरीदिया रोड साहिवाल पर मुनक्कद हुआ। सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब राणा फारूक सईद का डिविजनल हेडक्वार्टर साहिवाल पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल, फूल पत्तियां निछावर और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। इस मौके पर तमाम कौमी सूबाई असेंबलियों के टिकट होल्डर साबिक टिकट होल्डर उम्मीदवार बराए कौमी असेंबली हल्का NA 141 साहिवाल राणा आमिर शहजाद ताहिर जनरल सिक्योरिटी साहिवाल डिवीजन हाजी मोहम्मद लतीफ भट्टी उम्मीदवार बराए कौमी असेंबली NA 144 चीचा वतनी अली जावेद शेख समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहिवाल डिवीजन के अहदेदारान ने अपनी अपनी तजावीज पेश की। इस मौके पर सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब राणा फारूक सईद ने कहा है कि अवाम की नज़रें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगी हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुश्किल तरीन हालात में मुल्क कौम को संभाला। मुतवक्के इंतखाबात में पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का घर साबित हुआ। सकरंत रिपोर्ट राजकुमार ओट के मुताबिक। सकरंत में आटे की कीमतों में इजाफा और सस्ता आटा न मिलने पर शहर के दिहाड़ीदार मजदूरों का औरतों और बच्चों समेत सख्त सर्दी में खेड़ा फ्लोर मिल सकरंत के सामने धरना देकर कौमी शाहरा ब्लॉक करके महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जबकि कौमी शाहरा बंद होने से रोड के दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मजाहरीन का कहना है कि हम गरीब दिहाड़ीदार मजदूर हैं। फ्लोर मिल्स इंतजामिया 650 से 550 का 10 किलो आटा दे रही है, जिसके लिए लंबी कतार लगी है, जो कुछ लोगों को मिलने के बाद कोटा खत्म होने का सबब बताकर बकाया लोगों को आटा मिलने की सहूलत से महरूम रखा जाता है। जबकि हमारा सारा दिन कतार में लगने के बावजूद आटा भी नहीं मिलता और हम अपनी मजदूरी से भी महरूम रहते हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सस्ते आटे की तकसीम को आसान बनाकर सस्ते नर्ख पर आटा दिया जाए। लकी मरवत तहसील सराय नोरंग के चेयरमैन हाजी अजीजुल्ला खान किसी न किसी तरीके से अपने अवाम की खिदमत में मसरूफ रहते हैं। भलाई तंजीम की मदद से आज गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नौर स्प्रेले जदीद में मीठे पानी के मंसूबे का इफ्तिताह मुकामी अमीर शाहिदुल्ला खान ने किया, जिस पर इलाके के लोगों ने तहसील नोरंग के चेयरमैन हाजी अजीजुल्ला खान मरवत का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि यहाँ पर मीठे पानी का बहुत बड़ा संगीन मसला था जो तहसील मेयर नोरंग अजीजुल्ला खान मरवत की कोशिशों से हल हुआ। हैदराबाद में अंधेर नगरी चौपट राज कब्जा माफिया का राज बासर अफराद ने दर्जगाह की जगह पर होटल बना लिया। जामिया अरबिया स्कूल पर कब्जा से अफसरान को बारहा मुतल्ला किया गया। हेडमास्टर महकमा तालीम पुलिस और जिली अफसरान चश्म पोशी कर रहे हैं। अली काजमी एक सदी पुरानी दर्जगाह के स्कूल के बच्चों का सामने एहतजाज, बासर अफराद के खिलाफ नारेबाजी की गई। इंतजामिया नोटिस लेकर स्कूल की प्रॉपर्टी को बागजार कराए, असाजा का मुतालबा। हैदराबाद के बलदियाती इंतखाबी नतायज का ऐलान कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने वाजह अक्सरियत हासिल की। सिंध के दीगर 15 अजला की तरह हैदराबाद में भी बलदियाती इंतखाबात का इनकार 15 जनवरी को हुआ था, जिसके लिए 9 टाउन्स पर मुश्तमल 107 यूनियन काउंसिल्स में 155 पर पोलिंग मुनक्कद हुई थी, जबकि 5 यूसीज पर इंतखाबात उम्मीदवारों की वफात के सबब नहीं हो सके। इन नशस्तों के हतमी नतायज बिलाकर 30 घंटों की ताखीर और इलेक्शन कमीशन सिंध की भरमी के बाद फैसला आ गया, जिसमें 98 यूनियन काउंसिल्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल करके बआसानी हैदराबाद शहर की तारीख में पहली बार मेयरशिप हासिल कर ली। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MQM की जानिब से इंतखाबात के बायकॉट का भी फायदा ना उठा सकी और सिर्फ 38 नशस्तों पर ही कामयाब करार पाई और 14 आजाद उम्मीदवारों ने भी अपने अपने हलका में इंतखाबात में बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवारों को जेर किया।
जबकि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान और जमात इस्लामी पाकिस्तान ने सिर्फ एक एक ही नशस्त पर कामयाबी हासिल की। वर्कशॉप रिपोर्ट अफाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक इरिगेशन जमराव सब डिवीजन खदरो ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दमशाक पे मिट्टी उठाने की लाखों के ठेके दे दिए, जिसमें दरोगा असलम शर और SDO सब डिवीजन खदरो शामिल। पूरी दमशाक की पटरियां तोड़कर मशीनें नहर में उतार दी गई। पहले फी दरख 4,000 रुपए फरोख किए, अब नहर का बेड़ा गर्क करने के लिए एक्सीवेटर मशीनें नहर की पटरियां तोड़कर अंदर मिट्टी उठाने में मसरूफ हैं। बाखबर जराए से मालूम हुआ है कि एक बाअसर जिम्मेदार ने फी मशीन का 50,000 के हिसाब से इरिगेशन के दरोगे को दिए हैं। पूरी दमशाक पे कोई 20 मशीनें मिट्टी उठा रही हैं। याद रहे पिछले साल भी इसी तरह मिट्टी उठाई गई थी और जब नहर में पानी आया तो 2-3 जगह से दमशाक में शगाफ पड़ रहे, जिसके बायस हजारों एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा था। जोराबाद चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हदायत पर साल 2022 में रेस्क्यू डिपार्टमेंट खुशाब की सालाना बेहतरीन कारकर्दगी। वाइस चेयरमैन चीफ मिनिस्टर शिकायत सेल डिस्ट्रिक्ट खुशाब मलिक इलियास अवान ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद को तारीफी सनद से नवाजा। चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर वाइस चेयरमैन चीफ मिनिस्टर शिकायत सेल डिस्ट्रिक्ट खुशाब जनाब मलिक इलियास अवान ने रेस्क्यू 1122 ऑफिस खुशाब का दौरा किया, जहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने इनका इस्तकबाल किया। मलिक इलियास अवान ने पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 खुशाब की गुज़श्ता साल 2022 की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद को तारीफी सनद से नवाजा और रेस्क्यू अमले को खराज तहसीन पेश किया। रेस्क्यू अमले से दौरान खिताब मलिक इलियास अवान ने कहा है कि रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज इलाही का लगाया हुआ वो पौधा है जो अब एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जो कि मुतासरीन के लिए मुश्किल घड़ी में किसी नेमत से कम नहीं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद की जेरे निगरानी रेस्क्यू डिपार्टमेंट की जिले खुशाब की अवाम को बेलोस और बिला तफरीक रेस्क्यू सर्विस पर वक्त फरामी काबिल सताइश है। खबर शामिल करते हैं होसपुर से परवेज अहमद सोलो की। वोसपुर में यूरिया डीलर माफिया सरगर्म, आबादगारों को दोनों हाथों से लूटने लगे। यूरिया का सरकारी रेट 2350 है, लेकिन वोसपुर में यूरिया डीलर माफिया नितेश जयराम लाल 2930 में बेचने लगे, जिसका सबूत RNN न्यूज की टीम ने हासिल कर लिया। तफसीलात के मुताबिक यूरिया का सरकारी रेट 2350 है, लेकिन नितेश जयराम लाल 2930 में बेचने लगा। इंतजामिया गहरी नींद में सोने में मसरूफ। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, न्यूज स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज, हमारे साथ रहिएगा।